Hello, my name is Mini Seti. Today I'm going to discuss about Michigan Studies on Leadership. अब मिशिगन क्या है? मिशिगन एक यूनिवर्सिटी का नाम है. इस यूनिवर्सिटी में दो तरह के लीडरशिप स्टाइल को फाइंड आउट किया था. तो सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल क्या? प्रोडक्शन ओरिएंटेड. पहला लीडरशिप क्या है? स्टाइल क्या है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड. जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल का क्या मतलब था? यहाँ पे जो लीडर होता था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था? अपने सबऑर्डिनेट से जॉब को कंप्लीट कराना, अपने सबऑर्डिनेट से टास्क को कंप्लीट कराना. यहाँ पे जो प्राइमरी कंसर्न होता था ना, जो लीडर का मेन काम होता था, वो क्या होता था? ये देखना क्या उसके सबऑर्डिनेट अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे. उनका जो प्राइमरी फोकस होता भी किस पे था? काम पे था, जॉब पे था, टास्क पे था. जो उनके सबऑर्डिनेट को काम दिया गया, क्या वो अपना अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे. लीडर और उसके फॉलोवर्स या फिर लीडर या उसके सबऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशनशिप था वो सिर्फ काम से रिलेटेड था. कोई बातचीत होती थी वो काम से रिलेटेड होती थी. और जो काम उनको दिया गया है वो कैसे कर रहे हैं, किस फीलिंग के साथ कर रहे हैं, खुश होकर कर रहे हैं, दुखी होकर कर रहे हैं, इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था. चाहे आप खुशी होकर किस काम को करो, चाहे दुखी होकर किसी काम को करो, आप उस काम को पूरा करो, आप अपने टास्क को पूरा करो, आप अपने टारगेट को कंप्लीट करो. बस यही क्या है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल का मेन ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर का काम क्या होता है, वो मतलब लीडर का मेन रोल क्या होता है, ये देखना कि जो उसके सबऑर्डिनेट है क्या वो अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, क्या वो अपनी जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं, क्या वो अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे. यहाँ पे सबऑर्डिनेट के साथ एज अ मशीन ट्रीट किया जाता था. मशीन क्या करती है? मशीन से हम क्या लेते हैं? मशीन का क्या काम होता है? सिर्फ काम निकालना, सिर्फ प्रोडक्शन करना, सिर्फ यही काम होता है. मशीन के कोई इमोशंस नहीं होते. सिमिलर क्या है, एम्प्लॉइज साथ ट्रीट किया जाता था, ये मान के कि एम्प्लॉइज के कोई इमोशंस नहीं होते हैं, उनकी फीलिंग को, उनकी पर्सनल नीड को, उनके इमोशंस को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता था. सिर्फ वो अपने टास्क को कंप्लीट करे, चाहे वो हंसकर करे, चाहे वो रोके करे. यहाँ पे लीडर को क्या चाहिए? सिर्फ काम चाहिए, सिर्फ टास्क चाहिए. जैसे मान लीजिए ये लीडर है, ठीक है, ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल को फॉलो कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, ये इसके फॉलोवर था, ये इसके सबऑर्डिनेट है. अब लीडर ने इनको क्या दे दिया? काम दे दिया. जैसे आपको 300 यूनिट का प्रोडक्शन करना है विद इन वन वीक के अंदर अंदर इनको 300 यूनिट का प्रोडक्शन करना है. अब लीडर को 1 वीक के बाद 300 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए. चाहे तुम कैसे करो, किसी भी फीलिंग के साथ करो, तुम्हारी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे तुम खुश होकर करो, चाहे तुम दुखी हो करे, लीडर को क्या चाहिए? 1 वीक के बाद 300 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए. क्यों? इस मेथड में, इसमें लीडर क्या कर रहा है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल को अडॉप्ट कर रहा है. प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल को अडॉप्ट कर रहा है जिसमें लीडर का मेन मोटिव सिर्फ ये देखना है कि जो एम्प्लॉइज को काम दिया है, जो एम्प्लॉइज को टास्क दिया है, जो एम्प्लॉइज को जॉब दिया है, वो कंप्लीट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे. यहाँ पे लीडर को सिर्फ एम्प्लॉइज से उसका टास्क कंप्लीट करवाना है, सिर्फ उसका टारगेट का कंप्लीट करवाना है. तो यहाँ पे एम्प्लॉइज के साथ एज अ मशीन ट्रीट किया जाता है, ये सोच करके एम्प्लॉइज से कोई इमोशंस नहीं होते हैं. ओके, तो ये क्या है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल है. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. अब हम बात करते हैं एम्प्लॉइज ओरिएंटेड. ठीक है, अब एम्प्लॉइज ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल क्या है? देखो, काम तो इसमें भी करना पड़ेगा. ओके, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो काम तो करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं. लेकिन ये अप्रोच डिफरेंट है काम निकलवाने की. यहाँ पे प्राइमरी कंसर्न किस पे होता है? एम्प्लॉइज पे होता है. यहाँ पे एम्प्लॉइज की फीलिंग की तरफ ध्यान दिया जाता है. ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉइज के इमोशंस की तरफ ध्यान दिया जाता है. इवन एम्प्लॉइज की जो पर्सनल नीड है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाता है. यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर एम्प्लॉइज खुश होगा, उसकी पर्सनल नीड को सॉर्ट आउट किया जाएगा, तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी. इसीलिए इस स्टाइल में जो प्राइमरी गोल होता है, ठीक है, लीडर का, वो ये देखना होता है कि एम्प्लॉइज वर्क प्लेस पे फील कैसा कर रहा है, खुश फील कर रहा है या दुखी फील कर रहा है, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है या फिर नहीं है, कहीं उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे भी सॉर्ट आउट करना. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी कंसर्न होता है ना, वो एम्प्लॉइज का होता है, पीपल ओरिएंटेड स्टाइल है. यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो एम्प्लॉइज है वो कैसे खुश होकर काम कर रहे हैं, सेटिस्फाई होकर काम कर रहे हैं, डिससेटिस्फाई होकर काम कर रहे हैं. तो मेनली यहाँ पे एक लीडर क्या करता है, ये बनाने की कोशिश करता है कि जो इंटर पर्सनल रिलेशनशिप है वो भी अच्छी हो, जिस ग्रुप में वो काम कर रहे हैं उस ग्रुप की आपस में बाउंडिंग भी अच्छी हो, मीन्स ग्रुप में कोहेसिवनेस हो. यहाँ पे लीडरशिप इन सारी बातों को
भी देखता है, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर वर्क प्लेस पे इम्प्लॉयज खुश होकर काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसलिए उसका प्राइमरी गोल क्या है, इम्प्लॉयज को खुशी देना, उनके इमोशंस के बारे में सोचना, उनकी फीलिंग के बारे में सोचना, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करना। तो ये कौन सा है, इम्प्लॉयज ओरिएंटेड स्टाइल है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएंगे। प्रोडक्शन ओरिएंटेड में सिर्फ काम चाहिए, काम के अलावा लीडर और सबॉर्डिनेट का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे क्या, प्राइमरी फोकस लोगों पे किया जाता है, ये मान के कि अगर वो खुश होंगे, सेटिस्फाई होंगे तो अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन ओरिएंटेड का प्राइमरी फोकस टास्क पे दिया जाता है, इम्प्लॉयज ओरिएंटेड का प्राइमरी फोकस लोगों पे दिया जाता है, इम्प्लॉयज पे दिया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।